ये नर्सिंग ग्राउंड है, इसकी ओनरशिप आर्मी के हाथ में है, कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के हाथ में, और यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। लेकिन यहाँ के नागरिकों के लिए इस तरह की कोई सुविधा नहीं है, तो इसलिए ब्रिगेडियर साहब की परमिशन से ये लोग यहाँ पर कभी कभी खेलने के लिए आते हैं। तो हम पूछते हैं एक युवा स्पोर्ट्स लवर से कि आपकी समस्याएं क्या क्या हैं यहाँ पर, और आपने आपका परिचय और आपने क्या क्या किस तरह से किस गेम को आप पसंद करते हैं इस बारे में आप बताएं प्लीज। नमस्कार, मैं हूँ दीपक सिंह, मैं आर्मी स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पिछले काफ़ी समय से हूँ, 9 साल। हमने काफ़ी पहले से खेलना शुरू किया, लेकिन जिला नहीं होने की वजह से हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें आई। खेला तो बहुत, लेकिन जो असली उपाधि जो हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से हम यहीं खेलते रह गए। आपने नेशनल खेला? जी, मैंने हरियाणा में खेला था 2011। वॉलीबॉल? नहीं, फुटबॉल। फुटबॉल, अच्छा। तो आप समझते हैं जिला बनने के बाद चीज़ों में सुधार होगा? हाँ, जिला बनेगा तो उससे काफ़ी लोगों को काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, खासकर खेलने वाले बच्चों को। अच्छा। जो नई जनरेशन आ रही है उन लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी इस खेल की वजह से। लोगों को दर्द नहीं भटकना पड़ेगा, यहीं से लोगों का सिलेक्शन होगा या जो भी होगा, फिर उससे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी सभी की। ठीक, और प्रैक्टिस जो है वो रंग लाएगी। हाँ, सही बात है, आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस करने का मौका कम मिलता है। जी हाँ, प्रॉपर स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं होने के कारण हम लोगों को ज़्यादा। वैसे तो अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने की बात हो रही है, लेकिन उसमें कई साल लगेंगे, 3-4 साल तो लग ही जाएंगे, लेकिन इस बीच में कुछ ना कुछ इंतजाम आप लोगों का होना चाहिए। ये बोल तो काफ़ी पहले से रहे, लेकिन हो नहीं रहा है, काफ़ी समय से काम नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से सभी काफ़ी परेशान। ठीक है, आप अपनी आवाज़ उठाइए हमारे साथ मिल करके, क्योंकि हम ये जिले का कार्यक्रम सोशल मीडिया के थ्रू उठा रहे हैं, तो उसमें आप लोगों की आवाज़ भी मिलेगी, तो आप लोगों को भी एक स्पोर्ट्स ऑफिसर मिल जाएगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। थैंक यू वेरी मच।